Commissioner Trivikram Doraswamy, Honorable Dr. Sameer Carter, Kamath, Chairman DIDO and Vice Admiral Mr. Dinesh Tripathi, Lieutenant General J.P. Matthew, Air Marshal Ashutosh Dikshit, Sri Anurag Bajpayee, Additional Secretary, Sri Vishesh Neri, Joint Secretary, Sri Sunil Ghosh, Deputy High Commissioner, Commander Sameer Pote, Naval Attache, and Sri Deepak Chaudhary, Minister of Coordination and High Commission, and my personal secretary, Mr. Alok Tiwari. Lord Rami Daniel, we are meeting after a long time. Lord Nesby, Lord Gatia, and Lord Rangia, our Lord are here. अब आप लोगों को मैं बहनों भाइयों भी कहकर मैं संबोधित करूंगा। देवियों और सज्जनों ने, क्योंकि भारत तो ऐसा देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत को ही अपना परिवार नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम् यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज दुनिया को किसी एक देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से। इसलिए मैंने बहनों भाइयों का, मैं दो दिन पहले यहां पर आया था, कल से लेकर आज तक हमारी यहां पर यहां के डिफेंस मिनिस्टर, यहां के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, इनके साथ बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत रही है और अगर मैं कहूँ कि फ्रूटफुल रही है तो ये कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त डिफरेंट इंडस्ट्री के जो सीईओस थे, लगभग रहे होंगे 30-40 के आसपास, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी बातचीत काफ़ी अच्छी रही और आप लोगों के साथ यहाँ पर मिलना होगा। मैं बहुत असमंजस भी हूँ क्योंकि कई प्रकार के लोगों को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ जो हमारी हिंदी समझ रहे हैं। फिर भी ये बोलना है तो हिंदी में ही बोलना। क्योंकि आप सब इंडियन सिटीजन्स हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इंडियन हैं लेकिन सिटीजनशिप उन्होंने लंदन की ही है। जो इंडियन सिटीजन हैं अथवा इंडियन ओरिजिन के जो लोग यहां मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, भारत के बाहर रहकर बराबर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता पर किसी भी सूरत में स्थानीय ऑफ इंटोगेशन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मानता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी विश्वसनीयता, उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी। धन हो जाता है तो बहुत कुछ नहीं वो व्यक्ति खोता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी और साख और विश्वसनीयता उस व्यक्ति की समाप्त हो जाती है तो वह तब कुछ अपना खो बैठता है। भारत की कभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता रही है, भारत के प्रति सम्मान रहा है, उसमें जहां अन्य बहुत सारी चीजें थी वहीं पर भारत की क्रेडिबिलिटी, भारत की विश्वसनीयता, भारत की साख, यह भी एक कारण है। इसे सदैव बनाए रखें और मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख को बनाकर रखता है वही चरित्रवान होता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा कैरेक्टर, कैरेक्टर को बहुत ही वाइडली डिफाइन किया जा सकता है लेकिन वाइडली को डिफाइन करने में नहीं आ रहा हूं। सबसे बड़ा कैरेक्टर, सबसे बड़ा चरित्र मनुष्य की क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता। और इसी क्रेडिबिलिटी के कैरेक्टर के बारे में स्वामी विवेकानंद ने प्राय आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाकर धर्म संसद में को संबोधित करते थे। यूएस में एक बार धर्म संसद को
स्वामी विवेकानंद जी गए, जिस तरीके से उन्होंने अपना वस्त्र ढीला काला वस्त्र नक्स लेटे ढीला काला वस्त्र पहन रखा था, गिरवी रंग का वस्त्र उन्होंने पहन रखा था, सिर पर टर्बन यानी पगड़ी बनी हुई थी, एक मिस्टर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। स्वामी विवेकानंद समझ गए कि हमारे ये ड्रेस को देखकर ये मेरे ऊपर ये मुस्कुरा रहे हैं, कितना सारे लोग वेल ड्रेस्ड हैं और ढीला काला ये कपड़े पहनकर इतनी बड़ी धर्म संसद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सा व्यक्ति आ गया। स्वामी विवेकानंद को इतना लोग नहीं जानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया कि हमारे बारे में क्या सोचे, तो धर्म संसद को संबोधित करने के लिए जब विवेकानंद खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि योर कंट्री टेलर में इस समय बट इन अवर कंट्री कैरेक्टर में इस समय। इसीलिए मैंने अपनी बात के लिए प्रारंभ की है जो क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता से प्रारंभ की है, पर उसका सबसे बड़ा चरित्र है, इसे किसी भी सूरत में आप खोना जहां तक भारत का प्रश्न है, इस सच्चाई को आज कोई नकार नहीं सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रेस प्रतिष्ठा भारत की प्रेस की बढ़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। कुछ वर्षों पहले भारत के बारे में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह धारणा थी कि भारत कमजोर देश है, गरीब देश है, ठीक है, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में तो भारत की एक साथ रही है, इसमें कई दो है, लेकिन गरीब देश एक धारणा थी, लेकिन आज वह धारणा समाप्त तो हो नहीं रही है, बल्कि मैं कहूं समाप्त तो हो चुकी है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इकॉनमी की साइज के मामले में देखा जाए तो हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हुआ है, जो कि 2014 में दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में था, यानी 10वें स्थान पर था, आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स उन्होंने कहा, मॉर्गन स्टेनले ने कहा कि फर्म ने कहा कि सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते यानी आज के लगभग 3 साल के बाद यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में आकर खड़ा हो गया। और दुनिया की अन्य सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल अथवा इकोनॉमिक फर्म्स हैं उनके नामों की चर्चा बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब लोग यह कहते हैं कि 2075 आते आते 2080 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में नंबर 1 की कंट्री। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, और यह धारणा जो बनी है धारणा बनाई नहीं गई है, जो हकीकत है जो सच्चाई है, जो कुछ भी भारत में इस समय हो रहा है, भारत जिन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण यह धारणा बनी है। ग्लोबल टाइम्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह तो एक प्रकार से चाइना का माउथपीस है, सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है। एक वहां के माने जाने राइटर, शायद नाम गलती हो सकती है, जोरियांग या कुछ ऐसा ही नाम है उनका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि व्हाट आई फील अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया,
यह आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया। चाइना गवर्नमेंट भी यह मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है, यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो कि यह चाइनीज गवर्नमेंट का यह बहुत ही पेपर है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ यह होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने लगा। यह था भारत के बारे में धारणा, यानी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और उस आर्टिकल में अन्य भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब मुझे कुछ चीजें उसकी ध्यान में इस समय नहीं आ रही हैं, लेकिन उसने यह भी लिखा है, हाँ उसने कहा कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइना गवर्नमेंट भी यह सोचती है कि भारत को आप पसंद करें अथवा न पसंद करें, लेकिन भारत के लिए हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में बन चुकी है कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह भी लिखा है और यह भी लिखा है कि ट्रेड इंबैलेंस के बारे में, यानी जो व्यापार संतुलन होता है असंतुलन, ट्रेड इंबैलेंस के बारे में पहले जब चर्चा होती थी तो ट्रेड इंबैलेंस के बारे में चाइना से भारत ये एक्सपेक्ट करता था कि अपनी पॉलिसी में वह क्या चेंजेस कर रहा है ताकि भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड इंबैलेंस है वह मिनिमाइज हो सके, वह कम हो सके। उस चाइनीज राइटर ने यह लिखा है कि अब वह ट्रेंड बदल चुका है। अब यह भारत ये कह रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल कैसे बढ़े, हम चाइना को मैक्सिमम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इससे ट्रेड इंबैलेंस को रिड्यूस करने के लिए इसके बारे में आप बताइए, यह चाइना से भारत आ गया। यह कुछ उदाहरण मैंने दिए चाइनीज राइटर के द्वारा दिए गए लेख में जो भी लिखा है। और फास्टेस्ट गोइंग इकॉनमी जो है इस समय भारत की है, और यह भी देखा होगा कि भारत की प्रतिष्ठा ये सब कुछ घटनाओं के लिए मैं आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। यह सब तारीफ ये आंकड़े तो बहुत दिए जा सकते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें हमारे इंडिया के भी बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं और लगातार मिसाइल बॉम्ब्स रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर चल रहे थे। स्वाभाविक है कि जितने भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे थे उनके गार्जियंस लोग परेशान थे और उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की हम लोग ही आप देखते हम लोगों से भी करते सर चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से बाहर निकालें। और मैं समझता हूं कि दुनिया के अन्य देशों में भी वहां के सिटीजन्स ने यहां के सिटीजन्स रहे होंगे वहां उन लोगों ने भी अपने कंट्री की गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर से पर ये डिमांड जरूर की होगी कि हमारे बच्चे को यूक्रेन से बाहर निकालें। हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसी बनी है,
कि उन्होंने फॉर्मली ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम अपने बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालेंगे। उन्होंने टेलीफोन उठाया, रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से बात की, कहीं अमेरिका के कारण कोई गड़बड़ न होने पाए इसलिए यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन से बात की। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि भारत से मोर देन 20 यूक्रेन से मोर देन 22,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन से यूक्रेन में 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपील पर, और हमारे 22 देश या बच्चे वहां से निकलकर भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की शान। G20 का सम्मेलन आपने पहले भी देखा होगा, इस बार भी G20 का सम्मेलन जो हुआ था उसको भी आपने देखा जो भारत में हुआ है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, चाइना भी G20 का मेंबर है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में मैंने पहले भी इस प्रकार के डिक्लेरेशन जारी होते रहे हैं, लेकिन विरोध होता रहा है, कोई ना कोई अपना डिसेंट भी दे देता था। लेकिन इस बार न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो G20 की सम्मेलन में जो पास हुआ है वो अनअपोज पास हुआ है, यूनाइटेड मैथली पास हुआ है। उसकी चेयरमैनशिप यदि किसी के पास थी तो भारत के पास। अफ्रीका की यूनियन को लेकर G20 के जो सुपर पावर्स हैं उनको भी थोड़ी एलर्जी थी कि किसी भी सूरत में अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते थे जो कि G20 को चेयर कर रहे थे, उन्होंने सबको जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उनके प्रीमियर्स को उनके प्रेसिडेंट को कन्विंस किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि अफ्रीकन यूनियन वह भी G20 का परमानेंट मेंबर बन गया। भारत की पहल और भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता, भारत की धमक एक दुनिया में न बड़ी होती तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी सूरत में संभव नहीं। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद जो चेंजेज आए हैं, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं क्या चेंजेज आए। अब पहले भारत में रोड्स बनती थी, आज भी भारत में रोड्स बन रही हाईवेज, इसका सिलसिला आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उसी समय से प्रारंभ हुआ। बाद में हालात ये हो गए थे कि पर डे 5 to 8 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन आज जानते हैं आज भारत में 38 to 40 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होगा। वह कल्चर गवर्नमेंट के चाहने पर कैसे बदलता है इसकी मिसाल आप लोगों के सामने। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में मैंने 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स दुनिया के किसी देश में है, तो केवल भारत में है, दुनिया के किसी देश में करीब लोगों की पॉपुलेशन भी नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इतने इंटरनेशनल यूजर कहीं UPI ऐप जानते हैं आप लोग, UPI ऐप के बारे में हमारा ये UPI ऐप उसको वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई है, सारी दुनिया ने उसको मान्यता दे दी है। आज चाहे फ्रांस हो, चाहे ओमान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, सभी अब UPI का प्रयोग कर। और UPI के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन हुआ है अप्रॉक्सिमेटली 130 लाख करोड़, यह है भारत। ठीक है, यही है ना मिस्टर विक्रम, यही है फिगर, गलत हो सकती है बता दीजिए, यह है भारत। कोरोना के समय की स्थिति में बताना चाहता हूं,
लीडरशिप के कारण कितना बड़ा चेंज आता है। अब कोरोना की क्राइसिस कितनी बड़ी थी कि भारत में वैक्सीन भी नहीं बनती थी और हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे वो हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते थे, हालात बिगड़ रहे हैं, बड़े नाजुक हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर के बाहर दीपक जलाओ। यह आरोप लगते थे, प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं है, वैक्सीन नहीं बनती थी, कैसे काम हो। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं बेंगलोर गए, हमारे वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई उन्होंने, उनका हौसला बढ़ाया। जिस भी प्रकार की असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है हमारे साइंटिस्ट को उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की। डॉक्टर कामत यहां पर बैठे हैं हमारे डीआरडीओ के चेयरमैन, वो इन सब सारी चीजों को अच्छी तरह जानते हैं, समझते भी हैं। मेरे बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, हमारे वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया, उन्होंने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बनाई तो डबल डोज दुनिया में किसी देश में कम से कम डबल डोज हर सिटीजन को लगी होगी तो केवल और केवल भारत है, दुनिया के किसी देश में सबको डबल डोज लगी होगी। ठीक है, कहीं हो सकता है 70% हो, 75% हो, 80%, हमारे सैचुरेशन 100% है। और वैक्सीन हम लोगों ने बनाई, हर सिटीजन को डबल डोज वैक्सीन की लगी, और केवल भारत में ही नहीं लगी बल्कि दुनिया के 100 कंट्रीज को हम लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड की। यह है यह भारत है, भारत की जीती जी सब अब आगे बढ़ रहा है, कल्पना करते हैं। कुछ आपने मिसाल रखी, चीजें बहुत है। अब वाटर वेस्ट की बात मैं करूं, अब कल्पना करिए 60 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, 80 करोड़, मोर देन 80% भारत में विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके। कहने को कहते हैं कि 100% हो गया है, लेकिन जो मेरी जानकारी है शायद 80% है। माने यह सब सारा करिश्मा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी लीडरशिप ने पिछले 7-8-9 वर्षों के अंदर ही हुआ है। भारत में टॉयलेट के लिए लोग बाहर जाते थे, जो गांव में रहने वाले लोग हैं अथवा जो टाउन्स में रहते होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी, टाउन्स में सिटीज में रहने वाले लोग जो उधर की वो कहते हैं आसपास जो लोग रहते थे सवर्ण जिसे बोलते हैं, वहां के लोग रहने वाले घर में टॉयलेट नहीं था, बाहर जाते थे। लेकिन आज शायद ही कोई घर बचा हो जहां पर कि टॉयलेट न बना हो, टॉयलेट तक की चिंता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की। यह है हमारा भारत। बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस के रक्षा मंत्री हैं तो आप कुछ चाहेंगे थोड़ा सा डिफेंस की भी बात हो जाए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिसे मैंने कहा ना कि चाइना में क्या परसेप्शन बना है भारत के बारे में। अब चाइना को मानते तो हैं, भारत का अपोनेंट है, मेजर अपोनेंट से मानते हैं, हम नहीं मानते, चाइना मानता होगा, लोग मानते हैं, हम लोग तो किसी को अपोनेंट मानते ही नहीं।
तो वो मालूम है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स में मिस्टर जैन ने जो कुछ भी लिखा है, यदि उसकी धारणा बनी है तो मैं सोच रहा था क्यों धारणा बनी, तो मुझे लगा कि शायद 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे वो निकल, डिफेंस का जहां तक सवाल है, पहले हम लोगों की हालत तो यह थी कि सारा का सारा हर सामान दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग खरीदते थे, सबसे बड़े इंपोर्टर डिफेंस इक्विपमेंट्स के, डिफेंस आइटम्स के हम थे। आज हम दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज में हम आकर खड़े हो गए डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करने के मामले, और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहले बहुत ही कम हुआ करता था, लेस देन 40,000 या कितना था, करोड़ कुछ ऐसे ही था, उसके पहले तो और भी कम था, अब 1,08,000 करोड़ से ज्यादा हो गया हमारा डिफेंस प्रोडक्शन। मिसाइल भी बना रहे हैं, बम भी बना रहे हैं, देखिए ये लोग बैठे हैं ये चलाते हैं सब फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं, वारशिप बना रहे युद्ध को, आपने देखा होगा इस बार हमारी नेवी ने कैसा करिश्मा किया है, पढ़ा है एक बार बतला दिया मोटी लोग आग उठाकर देखना, नहीं ये भारत है। तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है तो आप सबकी शुभकामनाओं के कारण, और मेरे नौजवानों का करिश्मा देखिए, देखिए IIT बहुत खुले हैं, हॉस्पिटल बहुत खुले हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का संकल्प है कि देश के जितने कम से कम बड़े डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बड़ी तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और हमारे बच्चे कितने इमेजिनेटिव हैं, कितने क्रिएटिव, हमारे बच्चे माने हमारे यंगस्टर्स नौजवान कितने इमेजिनेटिव है, कितने क्रिएटिव है। 2014 के पहले केवल 400 to 500 स्टार्टअप्स भारत में थे, आज स्टार्टअप का नंबर मोर देन 1 लाख हो गया, 1 लाख यूनिकॉर्न्स, जिनकी कैपिटल अप्रॉक्सिमेटली 1 मिलियन की होती है उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। आज हमारी यूनिकॉर्न्स का नंबर भी अप्रॉक्सिमेटली 100 तक पहुंच गया है, वेरी कंपेरेटिव यह है बात, कहां समाप्त करना है, कहानियां बहुत लंबी है ना, चलता रहे तो मैं समझता हूं आधे घंटे हो गए, बहुत हो गए, आप लोग कहेंगे कि आकर जो है भारत से हमको भाषण दिला रहे, मैं बहुत अच्छा लगा भारत को लेकर आश्वस्त रहिए, और जो मैंने सबसे पहली बात कही है कि अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी साख मत हो, राजनीति में काम करते हुए भी हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, हो सकता है कि हमसे भी मैं भी इंसान हूं कहीं चूक हो जाए, ऐसी कोई बात न बोले जिससे हमारी साख हमारी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगे। अब आप कहेंगे आप पॉलिटिक्स में आप लोग तो आश्वासन बहुत देते हैं, एश्योरेंसेस पब्लिक को बहुत देते हैं, यकीन रखना लखनऊ मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं 26 ईयर में MLA बना हूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तब से लेकर आज तक अपनी जनता को कभी भी आश्वासन नहीं दिया है, एश्योरेंस नहीं दिया, और जो कुछ कहा होगा तो यही मैं कहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं खरा उतर सकूं, यानी जो आप चाहते हैं उसको हम पूरा कर सकें, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, इतना ही कहा। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारे साथ पर्सनल सेक्रेटरी आलोक तिवारी हैं, संदीप हैं,
ये लोग मुझे हमारे साथ काम करें, ये जानते होंगे कि मैं इन सब चीजों पर बहुत ही कासत रहा हूं। ये केवल भाषण देने के लिए आप लोगों के सामने कह रहा हूं, ऐसा नहीं। जो कहो और करो आप भी यहां पर हैं, इसलिए बार बार मैं कहता हूं आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, भारत की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। आपका मस्तक ऊंचा रहेगा तो भारत का मस्तक ऊंचा होगा। इसलिए बार बार मैं इस पर बल दे रहा हूं। और तो बातें बहुत सारी हैं, चलिए सारा घर खड़ी हो गई। मैं आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई, और मैं सामान्यतः मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन आपकी इंडियन हाई के पुस्तक के बारे में कहना चाहूंगा। यदि मुझे कहना हो तो मैं अपने इंडियन हाई कमिश्नर मिस्टर विक्रम दोरेस्वामी के बारे में एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा, एक्सलेंट। और मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूं उसे, वो सोच समझ कर नाप तौल कर। Yes, we know. He is the best. दुनिया के कई देशों में भी जाने का मुझे अवसर मिला है, उनसे मिलता हूं। और मैं समझता हूं एक्सेलेंट न रहे होते तो इतने इंतजाम के साथ क्लैपिंग न हो। इसका मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, और ऑब्जर्वेशन मेरा इसलिए सही है क्योंकि मैं फिजिक्स का लेक्चरर भी रह चुका हूं। और मैं बराबर जो है एसेस कर रहा हूं, जो बच्चे कहानियां लिखते थे जो एंसर शीट्स पर, उसको मैं जांच रहा हूं, उसको भी देखा, इसलिए मैंने कहा। और एक बात और मैं कहूंगा, बात चल पड़ी छोटे मन से कभी आप लोग काम मत करना। मैं देखता हूं छोटी छोटी चीजों में लोग उलझ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। धन आपके पास, पैसा चाहे जितना भी हो जाए, चाहे जितनी भी बड़ी कैपिटल हो, मन यदि छोटा है तो जिंदगी आप छोटे रहोगे समझ के।